हेलो एवरी वन नेहा सो पी जी टी विक जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको आज मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगी जैसे यहाँ पर मैंने डी एस एस बी वी एस इनके बारे में लिखा है लेकिन जितने भी हमारे स्टेट पी जी टी एग्जाम्स होते हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे तो फर्स्ट है हमारा फिक्शन जिसमें मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट जितने भी टाइप्स होते हैं वो और कौन कौन से मेन टाइप्स होते हैं जिनसे आपको फिक्शन के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो यहाँ पर डिस्कस करूंगी इंपॉर्टेंट फॉर्मुला कुछ क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया है जो आप जिससे आपकी फिक्शन के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे लेट्स गेट स्टार्टेड बिफोर दैट इफ लाइक वीडियो सब्सक्राइब चैनल एज एन बटन थैंक यू आप मेरी बारे में देख सकते हैं मैंने एम एस कानपुर से किया और मैंने ये एग्जाम्स क्लियर किया वॉट इज फ्रिक्शन सो फ्रिक्शन इज ए फोर्स तो जब भी हम फोर्स की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है एफ इक्वल्स टू एम ए ये ऐसे इस टाइप के जो फोर्स होते हैं वो क्या करते हैं बॉडी को मोशन प्रोवाइड करते हैं जिससे कि बॉडी आगे की तरफ बढ़े लेकिन ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होते हैं इनका काम क्या होता है ये क्या करते हैं रिलेटिव मोशन और ये रिलेटिव मोशन कहा होगा बिटवीन द टू सॉलिड सरफेस यदि उनके बीच में रिलेटिव मोशन है तो ये फ्रिक्शन फोर्स क्या करेंगे उसको अपोज करेंगे ठीक है उनके मोशन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे उसको रोकेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स ऐसे फोर्स होते हैं जो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं और उसको रोकते हैं ठीक है तो यदि इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं तो इसका डायरेक्शन क्या होता है अलॉन्ग द कॉन्टेक्ट पॉइंट ठीक है एग्जाम्पल देखते हैं मान लो दो सॉलिड सर्फेस ये वाली हो गई हमारी ठीक है एक ग्राउंड हो गई सॉलिड सर्फेस और एक बॉक्स की ये वाली सर्वे क्या हो गई हमारी सॉलिड सर्फेस हो गई ठीक है एक पर्सन उसको धक्का लगाता है ठीक है उस पर फोर्स लगाता है तो ये ये बॉक्स क्या करेगा आगे की तरफ मूव करेगा ठीक है तो यदि हम बात करते हैं रिलेटिव बॉक्स ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या होगा रिलेटिव मोशन करेगा ठीक है तो यहाँ पर रिलेटिव मोशन एग्जिट कर रहा है मतलब बॉक्स आगे की तरफ मूव कर रहा है ठीक है तो क्या होगा इसको रोकने के लिए एक फोर्स लगेगा और वो फोर्स कौन सा होगा हमारा फ्रिक्शनल फोर्स ठीक है

हम इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि दो सॉलिड सरफेस ये दोनों सॉलिड सरफेस हो गई ठीक है इनके बीच में रिलेटिव मोशन है और डायरेक्शन ऑफ मोशन इस डायरेक्शन में है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ लगेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में ठीक है लेकिन जैसे ये कॉन्टैक्ट पॉइंट है तो इस कॉन्टेक्ट पॉइंट के ये टेंजेंशियल लगेगा ठीक है सो टेंजेंशियल लेकिन मोशन के अपोजिट ठीक है यदि डायरेक्शन ऑफ मोशन इस डायरेक्शन में है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसके अपोजिट लगेगा ठीक है प्लस एक्स डायरेक्शन में और यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगना था माइनस एक्स डायरेक्शन में ठीक है लेकिन मोशन के अपोजिट लगेगा ठीक है यहाँ पर हम देखने वाले हैं टाइप ऑफ फ्रिक्शन के बारे में ठीक है तो फर्स्ट है हमारे स्लाइडिंग रोलिंग काइनेटिक एंड द स्टैटिक ठीक है सो स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है यदि एक बॉडी के रिस्पेक्ट में दूसरी बॉडी क्या कर रही है स्लाइड कर रही है तो वहाँ पर जो फ्रिक्शन काम करेगा उसको हम बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन यदि बॉडी नीचे की तरफ स्लाइड कर रही है तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा ऊपर की तरफ और यदि बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रही है तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा नीचे की तरफ ठीक है रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है यदि एक बॉडी के रिस्पेक्ट में दूसरी बॉडी रोल कर रही है तो जो फ्रिक्शन काम करता है उसको बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन लेकिन ये भी मोशन के अपोजिट लगेगा ठीक है काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है कि जब हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं और बॉडी मूव करने लग जाती है ठीक है तो जो फ्रिक्शन काम करता है उसको हम बोलते हैं कालेनेटिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है नाम से पता चल रहा है ये फोर्स लगाने पर भी बॉडी में में कोई भी मोशन नहीं हो रहा बॉडी रेस्ट पर ही है लेकिन फ्रिक्शन तो लगेगा क्योंकि फोर्स लगा हुआ है तो जो फ्रिक्शन लगता है उसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन तो जितने भी मेरे पी जी एग्जाम्स होते हैं ना उसमें दो टाइप्स के ही फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इन्हीं पर ही क्वेश्चन बनते हैं एक तो होता है हमारे कैनेटिक फ्रिक्शन और एक होता है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन ठीक है नाम से ही पता चल रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या है कि बॉडी पर हमने फोर्स लगा रखा है ठीक है फोर्स लगा दिया है मतलब इसके अपोजिट क्या होगा फ्रिक्शन काम करेगा लेकिन लेकिन बॉडी क्या है रेस्ट पर ही है तो ऐसे को ऐसे फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं हम स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब नो रिलेटिव मोशन मतलब बॉडी एक के रेस्पेक्ट में दूसरी मूव ही नहीं कर रही रेस्ट पर है कोई रिलेटिव मोशन नहीं है तो जो फ्रिक्शन काम करेगा उसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन ठीक है कैलेटिक फ्रिक्शन क्या होता है मतलब फोर्स आने के बाद बॉडी क्या कर रही है मूव कर रही है ठीक है और उसके अपोज में फोर्स है तो फ्रिक्शन तो हो ही होगा ठीक है यहाँ पर भी फोर्स तो लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन तो होगा ही होगा ठीक है यहाँ पर फोर्स आने के बाद बॉडी मूव कर रही है तो जो फ्रिक्शन काम करेगा उसको हम बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब रिलेटिव मोशन यदि एग्जस्ट कर रहा है बॉडी मूव कर रही है तो जो फ्रिक्शन काम करेंगे वो होता है काइनेटिक फ्रिक्शन ये याद रखना है कि यदि बॉडी मूव में है और फ्रिक्शन यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन यूज़ करेंगे और यदि फोर्स आने के बाद भी बॉडी रेस्ट पर है तो जो फ्रिक्शन यूज करेंगे हम वो होंगे स्टैटिक फ्रिक्शन ठीक है अब हम इसकी वैल्यू देख लेते हैं देखो को से करते हैं। लेकिन क्या है नॉर्मल फोर्स क्या होता है नॉर्मल फोर्स आगे बताऊंगी आपको ठीक है तो इसकी वैल्यू क्या होती है कॉन्टेंट होती है एन की वैल्यू कॉन्टेंट है म्यूस्टेंट होता है तो ये पूरा टोटल क्या होगा तो तोनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है कॉन्स्टेंट फ्रिक्शन तो होता है, है क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है, होती है. हम स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करते हैं ठीक है देखे? नाम से पता चल रहा है ठीक है देखे? एस से स्टैटिक तो फ्रिक्शन uh, को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से और एस को डिनोट करेंगे इससे स्टैटिक फ्रिक्शन से स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है फिक्स नहीं होता इसकी वैल्यू होती है वैरी करती है जीरो से लेकर एफ लिमिट तक लिमिट आई है ठीक है एस सेवन गलती से लिख दिया एफ लिमिट तक इसकी वैल्यू वैरी करती है इसलिए इसको क्या बोलते हैं वेरिएबल फ्रिक्शन ठीक है किस तरह से, से वैरी करती है और क्या क्या ले सकते हैं हम स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू वो मैं आगे बताऊंगी ठीक है लेकिन आपको अभी ये याद रखना है कि स्टैटिक फ्रिक्शन होता है उसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है वैरी करती है जीरो से लेकर एफ लिमिट तक और एफ लिमिट की वैल्यू क्या होती है म्यू एस जहां म्यूज क्या है स्टैटिक फ्रिक्शन कॉफिशेंट जो कि कांस्टेंट वैल्यू होती है और एन क्या होता है वही हमारा नॉर्मल फोर्स होता है ठीक है तो इसकी वैल्यू भी क्या करती है कांस्टेंट रहती है एफ लिमिटिंग की वैल्यू कांस्टेंट रहती है लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू वैरी करती है जीरो से लेकर एफ लिमिट तक ठीक है इसलिए इसको वेरिएबल फ्रिक्शन भी बोलते हैं तो इसके तीन पॉइंट ही है, खाली स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगेगा जब फोर्स आने के बाद बॉडी रेस्ट पर है वेरिएबल फ्रिक्शन होता है और इसकी वैल्यू जीरो से लेकर एफ लिमिट तक होती है कैनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है कैनेटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन होता है जब फोर्स आने के बाद बॉडी मूव करने लग जाती है तो फ्रिक्शन जो यूज लेते हैं वो होता है कैनेटिक फ्रिक्शन इसकी वैल्यू कॉन्स्टेंट होती है क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है म्यूके इंटू एन ठीक है अब हम देख लेते हैं स्टैटिक जो फ्रिक्शन होता है उसकी वैल्यू हम क्या क्या ले सकते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है जब हमने फोर्स को अप्लाई कर दिया है फिर भी बॉडी इज एट रेस्ट बॉडी में कोई मोशन नहीं है यहाँ पर कोई मोशन नहीं है और जो फ्रिक्शन काम करता है उसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन ये कब होता है जब रिलेटिव मोशन नहीं होता बॉडी क्या होती है रेस्ट पर होती है तब हम स्टैटिक फ्रिक्शन काम करते हैं ये मैं बता चुकी कि इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है जीरो से लेकर एफ़ लिमिटिंग तक और एफ लिमिटिंग की वैल्यू होती है म्यू एस इंटू एन जहाँ एन क्या होता है नॉर्मल फोर्स ठीक है क्योंकि ये इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है तो इसको हम वेरिएबल फ्रिक्शन बोलते हैं लेकिन हमको कोई वैल्यू तो लेनी ही पड़ेगी तो हम कैसे लेते हैं वो देखते हैं देखो यदि हमने जो फोर्स को अप्लाई किया है इस फोर्स की वैल्यू ज़्यादा है फ्रिक्शन की एक लिमिट है है मैक्सिमम लिमिट है ये और इससे भी ज़्यादा हमने फोर्स को अप्लाई कर दिया तो बॉडी क्या हो जाएगी मोशन में आ जाएगी और जहाँ पर भी बॉडी मोशन में आती है तब तो हम फ्रिक्शन जो यूज लेते हैं वो कौन सा होता है कैनेटिक फ्रिक्शन ठीक है लेकिन यदि हमने अप्लाइड फोर्स की वैल्यू जो फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम लिमिट है उससे कम है तो बॉडी मोशन में नहीं आएगी क्योंकि फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा है तब तक ठीक है तो बॉडी क्या होगी उस वक्त रेस्ट पर होगी तो जो फ्रिक्शन काम लेते हैं वो होता है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन और उस टाइम जो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हम लेंगे वो कौन से लेंगे जो फोर्स अप्लाइड किया है ना उसके बराबर तो जो फोर्स अपड किया तो रफ सरफेस हो तो तो होती है जहाँ पर भी आपको देखने को पर की क्या होगी ज्यादा होगी यदि फ्रिक्शन की वैल्यू बहुत कम होती है तो इसलिए हम जहां पर भी स्मूथ सर्फेस होती है वहां पर फ्रिक्शन हम नेग्लिजिबल कंसिडर करते हैं अदरवाइज नेग्लिजिबल नहीं होता है ठीक है तो जैसे रफ सर्फेस है तो यहाँ पर हाई फ्रिक्शन होगा और हाई फ्रिक्शन का मतलब ये है कि आपका जो मोशन यहाँ पर जो मोशन होगा मोशन होगा वो बहुत स्लो हो जाएगा ठीक है ठीक है और जैसे ये स्मूथ सरफेस है तो वहाँ पर फ्रिक्शन क्या है स्लो है तो वहाँ पर जो मोशन होगा वो क्या होगा बहुत फास्ट मोशन होगा ठीक है इसलिए आपने देखा होगा मार्बल पर जो फ्रिक्शन होता है वो बहुत कम होने की वजह से हम इजीली चल पाते हैं ठीक है लेकिन जहाँ पर भी आपको रफ सरफेस मिलेगी वहाँ पर फ्रिक्शन ज़्यादा होने की वजह से हम बहुत धीरे धीरे चल पाते हैं ठीक है तो फ्रिक्शन डिपेंड करता है कि सरफेस किस तरह से है ठीक है एक तो ये फीचर हो गया इसका हम फ्रिक्शन के जो सेकंड फीचर्स की बात करते हैं क्या होता है फ्रिक्शन ऑलवेज इन पेयर ठीक है तो हम सिंगल बॉक्स की बात कर रहे थे तो हमने उसके पेयर को कंसिडर नहीं किया क्यों क्योंकि हम उसको ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ले रहे थे ठीक है तो हमने देखा कि मोशन इस डायरेक्शन में है तो फ्रिक्शन हमने इस डायरेक्शन में ले लिया दैट्स इट लेकिन जब हम ब्लॉक ऑन ब्लॉक की बात करते हैं तो हम उसके पेयर को कंसिडर करते हैं जैसे मान लो ए बी के रेस्पेक्ट में इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ठीक है तो बी बी ए के रेस्पेक्ट में हमें कहाँ जाता हुआ दिखेगा इस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखेगा ठीक है तो ए के लिए जो ए इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो यहाँ पर फ्रिक्शन कहाँ होगा इधर की तरफ और बी इधर इधर मूव कर रहा है तो बी की जो फ्रिक्शन होगा वो किस डायरेक्शन में होगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में तो पेयर पेयर हो गया फ्रिक्शन हमेशा पेयर में होता है क्यों जैसे ये ये कॉन्टेक्ट सर्फेस हो गई तो इस कॉन्टेक्ट सर्फेस के रेस्पेक्ट में जो फ्रिक्शन होगा वो ए के लिए इस डायरेक्शन में होगा और बी के लिए इस डायरेक्शन में होगा ठीक है तो वैल्यू तो सेम होती है बस डायरेक्शन अलग हो जाती है तो पेयर की जो होते हैं उनकी वैल्यू सेम रहती है लेकिन डायरेक्शन क्या होती है अपोजिट हो जाती है ठीक है तो जब भी हम ब्लॉक एंड ब्लॉक के क्वेश्चंस करेंगे तब हमको फ्रिक्शन के पेयर को कंसीडर करना है ये याद रखना है ठीक है अगर तो थर्ड फिक्चर देखते हैं तो जितनी भी हमने फ्रिक्शन पढ़े ना उन सब में क्या होता है मोशन होता है सिर्फ स्टैटिक uh, फ्रिक्शन ही ऐसा होता है जिसमें मोशन नहीं होता है ठीक है इसमें मोशन नहीं होता है और सब में क्या होता है मोशन होता है तो हम देखना चाहते हैं कि कौन सा ऐसा फ्रिक्शन है इसमें मोशन ईजिली होता है जो कोई स्लाइडिंग फ्रिक्शन है तो ये वाला फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होता है तो यहाँ पर मोशन होने के चांसेस क्या हो जाता है कम हो जाता है ठीक है उसके बाद आता है एनेटिक फ्रिक्शन एंड देन फिर रोलिंग फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है इसका मतलब यहाँ पर मोशन क्या हो जाएगा ईजिली हो जाएगा एज कंपेयर टू दी स्लाइडिंग एंड दाइलेटिंग ठीक है तो रोलिंग फिक्शन ईजी होता है इसलिए आपने देखा होगा कि, कि जितने भी बैग्स होते हैं ना बैग्स में क्या होता है रोल्स लगे होते हैं ठीक है व्ही लगे होते हैं बेसिकली रोल्स आप बोल सकते हैं वील्स लगे होते हैं जिससे कि क्या होता है यहां पर फिक्शन कम हो जाता है और बैग को कैरी करना ईजी हो जाता है मोशन ईजी हो जाता है ठीक है तो रोलिंग फिक्शन सबसे कम होता है और स्लाइडिंग फिक्शन सबसे ज्यादा होता है ठीक है तो मैं आपको वेट फोर्स और नॉर्मल फोर्स क्या होते हैं उसके बारे में बता देती हूँ पहले ठीक है तो वैसे तो हम फोर टाइप्स के फोर्स मैकेनिक्स में देखेंगे एक तो होता है नॉर्मल फोर्स वेट फोर्स नॉर्मल फोर्स टेंशन फोर्स एंड द स्प्रिंग फोर्स ठीक है लेकिन मैं इन दोनों को आपको बाद में बताऊंगी जब भी मैं, मैं टेंशन पढ़ाऊंगी या फिर स्प्रिंग पढ़ाऊंगी ठीक है स्प्रिंग होगी वहाँ पर स्प्रिंग फोर्स होगा जहाँ पर स्ट्रिंग होगी ठीक है जहाँ पर डोरी होगी वहाँ पर क्या होगा टेंशन फोर्स होगा ठीक है तो इसको किस तरह से यूज़ करना है क्या क्या इसमें पॉइंट्स ध्यान रखने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी ठीक है ये लेकिन ये तब बताऊंगी जब मैं ये इसकी क्वेश्चन कराऊंगी ठीक है अभी हम देख लेते हैं वेट फोर्स क्या होता है और नॉर्मल फोर्स क्या होता है ठीक है वेट फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ठीक so, है सो ग्रेविटेशनल फोर्स हमको बताया फोर्स क्या होता है एफ एफिक्वल टू क्या होता है एम ई होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब क्या हो गया यदि हमने एक्सेलरेशन को जी से रिप्लेस कर दिया तो जो फोर्स बनेगा एफ एफिक्वल टू एम जी तो वो क्या होगा ग्रेविटेशनल फोर्स ठीक है तो so, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट क्या होता है एम जी के बराबर होगा ठीक है so, तो एम क्या होगा उस ऑब्जेक्ट का मास और उसको हमने ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो क्या कहलाएगा उस ऑब्जेक्ट का वेट ठीक है जैसे मान लो हमने फोर के का एक ऑब्जेक्ट लिया है और इसका वेट मेजर करना है तो उसका वेट क्या होगा एम इंटू जी ग्रेविटेशनल फोर्स होगा ठीक है एम क्या होगा इस ऑब्जेक्ट का मास और उसको जी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यदि हमको इसका वेट मेजर करना है तो वेट क्या होगा इसका वेट होगा फोर्टी ठीक है यदि हम इस वेट की बात करते हैं तो इस वेट की डायरेक्शन क्या होगी इसकी डायरेक्शन होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ठीक है कैसे पता चला देखो एफ क्या है एक वैक्टर क्वांटिटी है एम एक स्केलर है तो इसकी डायरेक्शन किस पर डिपेंड करेगी ग्रेविटी पर और हमें पता है अर्थ की ग्रेविटी की डायरेक्शन क्या होती है डाउनवर्ड होती है ठीक है तो यदि हमें किसी ऑब्जेक्ट का वेट मेजर करना है तो उसको टेन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मास से मास को टेन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका क्या निकल आएगा वेट आ जाएगा और इसकी डायरेक्शन क्या होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ठीक है लेकिन यदि हमको पता है ग्रेविटी वर्क कर रही है किसी भी ऑब्जेक्ट पर तो अर्थ को ऑब्जेक्ट को तो अंदर ही चले जाना चाहिए ठीक है ये जैसे अर्थ है हमारी ठीक है इसका सेंटर पॉइंट यहाँ पर है और ये ऑब्जेक्ट फोर की जगह यहाँ पर रखा हुआ है ठीक है तो इसकी डायरेक्शन क्या है डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी की तरफ ठीक है तो इस ऑब्जेक्ट को तो इधर की तरफ ही चले जाना चाहिए अंदर की तरफ चले जाना चाहिए अर्थ के लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि इसके अपोजिट में नॉर्मल फोर्स का क, वर्क करता है जो कि इस एम जी को बैलेंस करके रखता है एंड जो होता है एम जी को बैलेंस करके रखता है इस वजह से कोई भी चीज़ जो होती है वो अर्थ के सर्पेस पर ही रहती है अंदर की तरफ नहीं जाती है अब हम नॉर्मल फोर्स की बात करते हैं इसको कॉन्टैक्ट फोर्स भी ही बोलते हैं देखो नॉर्मल फोर्स जो होता है ना उसकी वैल्यू हमेशा किसके बराबर होगी एम के बराबर क्योंकि नॉर्मल फोर्स क्या होता है वेट को बैलेंस करने के लिए लगा हुआ होता है ठीक है जैसे मान लो ये बॉक्स है इसका वेट एम नीचे की तरफ है तो इसको बैलेंस करने के लिए कि ये ग्रेविटी के अंदर ना जाए इसको बैलेंस करने के लिए नॉर्मल फोर्स हमेशा क्या होता है इसको बैलेंस करता है और इसके अपवर्ड डायरेक्शन में होता है ठीक है तो वैल्यू क्या होगी नॉर्मल फोर्स के एन हो जाए बराबर हो जाएगा किसके एम के ठीक है कभी कभी किसी किसी बुक्स में क्या होता है एन और नॉर्मल फोर्स को एन से डिनोट करते हैं और कोई कोई नॉर्मल फोर्स को आर से भी डिनोट करते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है या तो एन लिखा होगा या फिर आर लिखा होगा जनरली एन लिखते हैं वैसे आर भी आपको देखने को मिल सकता है नॉर्मल फोर्स के लिए ठीक है अब इसकी डायरेक्शन को देख लेते हैं वैसे मैंने बताया परपेंडिकुलर होती है देखो नॉर्मल फोर्स को कॉन्टेक्ट फोर्स क्यों बोलते हैं क्योंकि जब तक यदि दो बॉडी के बीच में कॉन्टेक्ट नहीं होगा तो

जैसे कि मान लो ये दोनों बॉडी कॉन्टेक्ट में है ठीक है तो यहाँ पर नॉर्मल फोर्स काम करेगा ठीक है अब कैसे होगा यहाँ पर कॉन्टेक्ट पॉइंट ये है तो इस कॉन्टेक्ट पॉइंट के परपेंडिकुलर तो ये कॉन्टेक्ट पॉइंट यहाँ पर हो गए ठीक है तो इसके परपेंडिकुलर क्या लगेगा नॉर्मल फोर्स लगेगा ठीक है इस बॉडी पर तो नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा लेकिन ये भी तो एम भी तो आर पर नॉर्मल फोर्स लगाएगा ठीक है तो इसकी नॉर्मल फोर्स एम की वजह से कहाँ लगेगा इस वाले पर इधर के डायरेक्शन में तो नॉर्मल फोर्स इस तरह से काम करता है ठीक है जैसे मान लो ये M1 और M2 दो बॉडीज हैं ठीक है ठीके? तो यदि हम मैं सिर्फ ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखती हूं तो नॉर्मल फोर्स M2 पर इस तरह से लगेगा और M1 पर इस तरह से लगेगा ठीक है लेकिन M1 M2 की बात करें तो M1 M2 पर ये भी तो इस तरह से कॉन्टेक्ट में है तो यहां पर नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन में लगेगा इस सर्विस के परपेंडिकुलर से इस डायरेक्शन में ठीक है तो एम टू की वजह से नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा और एम वन की वजह से नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा तो इसको यहाँ से एक्सप्लेन किया हुआ है तो आज यहाँ पर एन को ही डिनोट कर रहा है ठीक है पीजीटी में कुछ क्वेश्चन आते हैं जो कि फ्रिक्शन से रिलेटेड है वो फ्रिक्शन से क्वेश्चन हम यहाँ पर देखने वाले हैं ठीक है ये प्रॉपर फ्रिक्शन पर बेस्ड है ठीक है कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जहाँ पर फ्रिक्शन और अदर कॉन्सेप्ट होता है ठीक है वो क्वेश्चन हम बाद में तो फ्रिक्शन है ये तो जनरल कॉन्सेप्ट है वो तो कहीं पर भी यूज हो सकता है फ्रिक्शन ठीक है लेकिन ये जो मैं क्वेश्चन बताने वाली हूँ ये कंप्लीटली फ्रिक्शन पर ही बेस्ड है इसके अलावा इसमें कोई अदर कॉन्सेप्ट नहीं होगा ठीक है तो ये बेसिक फ्रिक्शन के क्वेश्चन है इससे रिलेटेड आपको पीजीटी में काफी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो यदि आपने ये बेसिक समझ लिया तो आपके क्वेश्चन हो जाएंगे फ्रिक्शन के ठीक है बॉडी ऑफ मास टेन के जी इज कैप्ट ऑन ए हॉरिजेंटल फ्लोर ऑफ कॉफिशन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दे रखा है मू एस इक्वीरो

तो आपको एक्सिलेशन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और कॉन्टैक्ट फोर्स ये निकालना है यदि सिक्सटीन एन ड्राइविंग फोर्स है एफ यदि सिक्सटीन एन है तो आपको एक्सिलेशन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और कॉन्टैक्ट फोर्स ये सब निकालना है कॉन्टेक्ट फोर्स मतलब नॉर्मल फोर्स है ना ये आपको निकालना है क्वेश्चंस में है ना काफी क्वेश्चंस में हमको एक्सलेशन निकालना पड़ता है तो ठीक है एक्सेलेशन निकालने के लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा न्यूटन्स का सेकंड लॉ ठीक है यदि आपको न्यूटन का सेकंड लॉ पता है तो आप इजीली एक्सिलेशन निकाल सकते हैं ठीक है ठीके? तो क्या होता है न्यूटन का सेकंड लॉ एफ इक्वल्स टू क्या होता है एम ए या फिर टी पी अपॉन डी टी डेटा ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बराबर किसके होता है फोर्स के या फिर एफ क्या होता है एम इन है एक्सोलेशन तो यदि आपको ये वाली चीज़ पता है तो आप एक्सोलेशन निकाल सकते हो लेकिन यहाँ पर एफ सिर्फ एफ नहीं होता बल्कि यहाँ पर एफ होता है क्या एफ नेट तो बॉडी पर जितना फोर्स लग रहा है उसका वो बराबर होगा किसके एम इंटू ए के तो जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया एम वन एक बॉडी है एक ऑब्जेक्ट है उस पर नेट फोर्स लगा है एफ़ इस डायरेक्शन में लग रहा है और एन इस डायरेक्शन में लग रहा है दो ऐसी एक एग्जाम्पल के तौर पर दो हमने फोर्स ले रखे हैं ठीक है लेकिन बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो हमें इसका एक्सेलरेशन निकालना है कैसे निकालेंगे एफ नेट बराबर किसके होता है एम वन ए के अब यहाँ पर हमको एफ नेट निकालना है देखो बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव करती है हमको वो वाला फोर्स पहले लेना है ठीक है तो बॉडी इस डायरेक्शन मूव कर रही है तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे एफ़ और एफ के अपोजिट में क्या एन तो हमने माइनस लगा दिया एन ठीक है डायरेक्शन ले लिया ठीक है अब लिखा हमने एम वन ए जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करती है उसी डायरेक्शन वाले फोर्स को हमको पॉजिटिव लेना है और उसके अपोजिट वाले को माइनस में लेना है तो ये क्या हो गया एफ माइनस एन इक्वल्स टू एम वन ए और यहाँ से हम ए निकालेंगे क्या होगा एफ माइनस एन इक्वल्स टू एम वन इस तरह से हम एक्सीशन निकालते हैं सो so फर्स्ट हम क्या लेंगे यहाँ पर फोर्टी एन का ड्राइविंग फोर्स लेते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ठीक है तो फर्स्ट में हमको क्या करना है कॉन्टैक्ट uh, फोर्स निकालते हैं तो दोनों ही केस में चाहे फोर्टी एन हो या सिक्सटी एन हो दोनों ही केस में कॉन्टैक्ट फोर्स यदि हमें निकालना होगा तो हमें पता है कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है हमारा नॉर्मल फोर्स होता है और नॉर्मल फोर्स हमेशा किसके बराबर होता है एम के ठीक है तो वैल्यू क्या होगी एम से बैलेंस हो जाएगी और अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स होगा तो एन कितना होगा एम और एम कितना है टेन इंटू जी कितना है टेन 10. तो हंड्रेड एन कितना गया हमारा नॉर्मल फोर्स या फिर कॉन्टैक्ट फोर्स सेकेंड है हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितने होते हैं हमें पता है दो टाइप्स के मेन होते हैं कौन कौन से कैनेटिक फ्रिक्शन और एक स्टैटिक फ्रिक्शन ठीक है अब हमको देखना है कि इस वाले केस में कैनेटिक फ्रिक्शन लगेगा या फिर स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा कैनेटिक फ्रिक्शन लगता है जब बॉडी मोशन में होती है और स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है जब बॉडी हो क्या होती है रेस्ट में होती है लेकिन ये भी कब पता चलता है जब हम एफ लिमिटिंग को पता करते हैं ठीक है सबसे पहले हम क्या निकालेंगे एफ लिमिटिंग ठीक है एफ लिमिटिंग क्या होता है म्यू एस इंटू एन एन हमें इन निकाल लिया कितना होता है हंड्रेड ठीक है एंड uh, uh, म्यूएस कितना है दे रखा है इन्होंने जीरो पॉइंट फाइव तो एफ लिमिटिंग कितना आ गया फिफ्टी तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी क्या यदि एफ़ अप्लाइड की वैल्यू लेस देन है एफ लिमिटिंग से फर्स्ट वाला केस क्या के है हमारा फोर्टी एन ठीक है तो फोर्टी एन हमेशा फिफ्टी से तो कम ही होगा तो मतलब हमने क्या देखा कि f अप्लाइड की वैल्यू f लिमिटिंग से कम है इसका मतलब क्या होगा कि बॉडी क्या होगी मूव नहीं कर पाएगी क्योंकि हमने तो उसको इतना फोर्स ही नहीं दिया ठीक है फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा है फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी फिफ्टी एन है और हमने जो फोर्स लगाया है वो कम है तो बॉडी क्या होगी एट रेस्ट पर होगी और जब भी बॉडी भी रेस्ट पर होती है तो हम कौन सा फ्रिक्शन यूज़ करते हैं फोर्स कौन सा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यूज़ करते हैं स्टैटिक और एफ एस की वैल्यू किसके बराबर होगी अब एफ़ अप्लाइड के बराबर होगी और इसका आंसर क्या होगा फोर्टी एन ठीक है अब हम यहाँ पर पहले ही बोल चुके हैं कि बॉडी क्या रेस्ट पर है तो इसका एक्सेलेशन की वैल्यू कितनी आएगी इस फर्स्ट केस में फोटी एन में एक्सेलेशन की वैल्यू कितनी आएगी ज़ीरो फोर्स और फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आएगी फोर्टी एन एंड कॉन्टेक्ट फोर्स एन की वैल्यू कितनी आएगी हंड्रेड एन ठीक है अब हम देखते हैं सेकंड केस क्या है सेकंड सिक्सटी एन ठीक है तो एफ लिमिटिंग की वैल्यू तो सेम ही रहेगी कितनी आएगी एफ लिमिटिंग एफ लिमिटिंग होगा हमारा फिफ्टी एन अब ये देखना है हमें हमने देखा कि जो फोर्स ऑफ अप्लाइड फोर्स है ना अप्लाइड फोर्स एफ जो है अप्लाइड वो ज़्यादा है और हम मतलब हमने इस बॉक्स पर ज़्यादा फोर्स लगा दिया फ्रिक्शन से भी ज़्यादा फोर्स लग गया तो जब भी फ्रिक्शन से ज़्यादा फोर्स लग जाता है तो बॉडी कैसी होती है मोशन में आ जाती है ठीक है अब जैसी बॉडी मोशन में आ गई इसका मतलब इसका एक्सिलेशन जीरो नहीं होगा क्या होगा नॉन जीरो होगा तो हम इसका एक तो एक्सिलेशन निकालेंगे दूसरा जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वो कौन सा होगा कानेटिक जब भी बॉडी मोशन में होती है तो कौन सा फ्रिक्शन लगता है कैनेटिक फ्रिक्शन उसकी वैल्यू कितनी होती है म्यू के इंटू एन यहाँ पर म्यू के क्या है यहाँ पर म्यू के है जीरो पॉइंट फोर फाइव इंटू एन कितना है हंड्रेड तो आंसर कितना आएगा फोर्टी फाइव एन ठीक है यहाँ पर कितना आ गया फोर्टी फाइव एन अब हम इसका एक्सीशन देख लेते हैं ठीक है देखो ये बॉडी है इस पर फ्रिक्शन भी लग रहा है एफ के और इस पर फोर्स भी लग रहा है एफ ठीक है तो बॉडी मोशन में है और मोशन कहाँ पर होगा इस डायरेक्शन में तो एफ माइनस एफ के इक्वल्स टू क्या होगा एम ए अच्छा इसे लिख देते हैं एक बार इक्वल टू क्या होगा एम ए ठीक है अब हमको ए निकालना है तो एफ क्या है हमारा सिक्सटी एफ के अभी हमने निकाला फोर्टी फाइव डिवाइड में कितना आएगा टेन ये क्या होगा हमारा एक्सलेशन कितना हो गया टू पॉइंट फाइव ठीक है एक बार देख लेना नहीं टू पॉइंट फाइव है या वन पॉइंट फाइव ठीक है कितना आ जाएगा इसका एक्सलेन वन पॉइंट फाइव और इस वाले केस में एक्सीेशन तो हो गया 1.5 पॉइंट सेकेंड केस में एक्सीलेशन है 1.5 पॉइंट फाइव ए वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ठीक है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ के कितना हो गया फोर्टी फाइव एन और नॉर्मल फोर्स कितना हो गया हमारा नॉर्मल फोर्स हो गया हमारा हंड्रेड एन ठीक है तो मैं एक ब्लॉक एंड ब्लॉक पे क्वेश्चन बताती हूँ मास ऑफ ए दे रखा है वन के मास ऑफ़ ब दे रखा है टू के जी ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी कितना दे रखा है जीरो ठीक है देयर इज नो फिक्शन बिटवीन बी एंड ग्राउंड तो बी एंड ग्राउंड के बीच में कोई फिक्शन नहीं है मतलब यहाँ पर म्यू क्या है जीरो है द फिक्शनल फोर्स एक्जर्टेड बाय ए ऑन बी इक्वल्स तो यहाँ पर फिक्शनल फोर्स निकालना है ठीक है एफ ऑफ ए बी निकालो या एफ ऑफ बी ए निकालो दोनों एक ही बात है वैल्यू सेम आती है डायरेक्शन अलग होता है ठीक है तो यहाँ पर एफ निकालना है स्मॉल एफ फिक्शनल फोर्स निकालना है देखो ब्लॉक एंड ब्लॉक पर मैंने कुछ स्टेप्स बताए हुए यदि आप स्टेप्स को फॉलो करते हो तो इसके आंसर्स निकल जाएंगे तो पहले हम उसकी स्टेप्स देख लेते हैं ब्लॉक एंड ब्लॉक पे कुछ स्टेप्स देखते हैं ठीक है यदि हमने इस स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो ये जितने भी आपके ब्लॉक एंड ब्लॉक के क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व हो जाएंगे ठीक है तो फर्स्ट हमें चेक करना होता है कि ये साथ साथ चल रहे या नहीं साथ चल रहे तो इसके लिए हम देखेंगे जैसे ये दो ब्लॉक है ठीक है इन दो ब्लॉक के बीच में यदि रिलेटिव मोशन है यदि इनके बीच में रिलेटिव मोशन है तो ये दोनों साथ साथ नहीं चलेंगे मूव सेपरेटली यदि इनके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है तो ये साथ साथ चलेंगे मतलब यदि इनके बीच में मोशन हुआ मोशन हुआ मतलब ये दोनों अलग अलग चलेंगे ये अपने अकॉर्डिंग चलेगा ये अपने अकॉर्डिंग चलेगा यदि इनके बीच में कोई मोशन ही नहीं है ठीक है तो ये दोनों एक दूसरे के साथ चिपक कर चलेंगे मतलब एक साथ चलेंगे तो हमको पहले ये चेक करना होता है कि ये दोनों साथ 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 चलेंगे चलेंगे या नहीं आधा क्वेश्चन तो इसी से सॉल्व हो जाएगा ठीक है तो सबसे पहले ये आपको आपको करना करना होता होता है है इसके लिए आपको क्या करना होता है? ऐसा ब्लॉक देखना होता है जिस पर सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा हो ठीक है तो देखो क्वेश्चन में आपको आ, किसी ना किसी ब्लॉक पर फोर्स दिया ही होगा तो उस फोर्स को आपको रिप्लेस करना है किससे एफ मैक्सिमम से जैसे यहाँ पर फोर्स दे रखा है तो आपको उस फोर्स को हटा के एफ मैक्सिमम से उसको रिप्लेस करना है ठीक है अब देखो यदि इस पर एफ इधर की तरफ लग रहा है तो हमें ये वाला ब्लॉक ये वाला ब्लॉक कहाँ जाते हुए देखेगा इधर की तरफ यदि ये इधर की तरफ जा रहा है तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन काम करेगा वो किधर की तरफ करेगा इधर की तरफ, तरफ. यदि ए पर फ्रिक्शन इधर की तरफ काम कर रहा है तो बी पर फ्रिक्शन कहाँ लगेगा इधर की तरफ तो इनमें से कौन सा सब ब्लॉक है जिस पर सिर्फ फ्रिक्शन काम कर रहा है वो है ए ठीक है ए ए की वैल्यू निकालते हैं ए मैक्सिमम की वैल्यू कैसे निकालेंगे ये है ब्लॉक ए और ये है ब्लॉक बी ठीक है तो हम यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर लग रहा है एक एफ यहाँ पर लग रहा है और एफ यहाँ पर हमने ये ब्लॉक चूज कर लिया है इस वाले ब्लॉक से हम ए मैक्सिमम निकालते हैं तो ए मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होगी एफ ए मैक्सिमम ठीक है यहाँ से ए मैक्सिमम निकल जाएगा ए मैक्सिमम यहाँ से भी निकल सकता था लेकिन क्या होता है यहाँ पर दो अननोन वेरिएबल क्रिएट होने से हम ए मैक्सिमम निकालना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा तो ए मैक्सिमम की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे इसका बोलने का मतलब क्या होगा इसका मतलब यह है कि यदि ए मैक्सिमम की वैल्यू इसके बराबर है तब तक तो ए और बी साथ साथ चलेंगी और जैसे ही ए मैक्सिमम की वैल्यू से ज़्यादा हो जाती है ए की वैल्यू तो ये दोनों सेपरेटली चलेंगे इसलिए हम क्या निकालते हैं यहाँ से ए मैक्सिमम की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से ए मैक्सिमम निकल गया इस ए मैक्सिमम को इस एफ मैक्सिमम में हम पुट कर देंगे तो एफ मैक्सिमम क्या हो जाएगा एफ मैक्सिमम हो जाएगा एफ मैक्सिमम क्या हो जाएगा एफ मैक्सिमम माइनस एफ अपॉन एम ए प्लस एम बी इन टू में ए मैक्सिमम ठीक है तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे ए एफ मैक्सीम निकालेंगे ठीक है तो एफ मैक्सिमम क्या हो जाएगा एफ प्लस एम ए प्लस एम बी में ए मैक्सिमम ठीक है यहां से हमने एफ मैक्सिमम निकाल दिया अब हम देखेंगे कि ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं है। क्या कंडीशन है जो हमारा क्वेश्चन में एफ गिवन था ये तो एफ मैक्सिमम हमने रखा था ठीक है ये तो हमने निकाल लिया ठीक है अब क्वेश्चन में जो आपको एफ दे रखा है क्वेश्चन में ठीक है यदि एफ अप्लाइड की वैल्यू एफ मैक्सिमम से कम है ठीक है एफ अप्लाइड की वैल्यू एफ मैक्सिमम से कम है इसका मतलब क्या होगा कि इनके बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है ठीक है मतलब कि मैक्सिमम से ज़्यादा ही ये फोर्स लगा ही नहीं पा रहा तो इसका मतलब ये दोनों साथ साथ चलेंगे मूव टुगेदर होगा ठीक है और और जो जो जब ये साथ साथ चलेंगे इसका मतलब यहाँ पर जो फ्रिक्शन काम करेगा वो कौन सा काम करेगा क्योंकि यहाँ पर कोई मोशन ही नहीं है मतलब ये ये क्या होंगे रेस्ट पर होंगे दोनों साथ साथ चलेंगे इसका मतलब जो फ्रिक्शन लगेगा वो कौन सा होगा स्टैटिक फ्रिक्शन ठीक है लेकिन यदि अप्लाइड फोर्स की वैल्यू अप्लाइड फोर्स की वैल्यू हमारे एफ स्टैटिक से ज़्यादा है हमारे जो एफ़ मैक्सिमम से ज़्यादा है मतलब हमने ज़्यादा फोर्स लगा रखा है यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर ये दोनों क्या होंगे क्योंकि हमने ज़्यादा फोर्स लगा दी इसका मतलब ये दोनों के बीच में क्या हो जाएगा मोशन आ जाएगा ठीक है और जैसे ही मोशन आता है तो वहाँ पर फ्रिक्शन कौन सा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन होता है और दोनों कैसे चलेंगे सेपरेट चलेंगे तो इसका एक्सलेशन अलग होगा और इसका एक्सेलेशन अलग होगा तो so, यहाँ पर हम ब्लॉक एंड ब्लॉक पर क्वेश्चन देखते हैं ठीक है तो ये ए ब्लॉक दे रखा है वन के जी का ये बी ब्लॉक है यहाँ पर टू के जी का ठीक है यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स दे रखा है यू कितना है जीरो पॉइंट टू ठीक है यहाँ पर फोर्स लगा हुआ है एफ तो इस फोर्स को हम रिप्लेस कर देंगे किससे एफ मैक्सिमम से, से ठीक है अब हमको पता है कि टू के जी इधर की तरफ जा रहा है तो वन के जी इधर की तरफ जाएगा इधर की तरफ तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन लगेगा वो इसके अपोजिट लगेगा यहाँ पर तो टू के जी पर जो फ्रिक्शन लगेगा वो किधर की तरफ लगेगा इधर की तरफ तो यहाँ पर लिखा हुआ है द फ्रिक्शनल फोर्स एग्जेक्टेड बाय ए ऑन बी इक्वल्स टू तो बी पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा और ए पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू सेम होगी तो हम एफ ए निकाल लेते हैं एफ ए की वैल्यू किसके बराबर होती है एम ए मैक्सिमम के ठीक है तो यहां पर आ, इसके बराबर होती है और हमको एफ ए की एक और टर्म पता है क्या होता है म्यू इंटू कैपिटल ये तो ऐसे ही निकल रहा है तो म्यू की वैल्यू कितनी होगी जीरो पॉइंट टू एन की वैल्यू वन इंटू जी की वैल्यू टेन तो इसका कितना तो आंसर कितना हो जाएगा टू एन तो आंसर कितना होगा एफ ए और एफ बी का आंसर कितना होगा टू एन के बराबर ठीक है एक क्वेश्चन है जो हम इस पर देखते हैं किस पे ब्लॉक एंड ब्लॉक पे तो ब्लॉक से रखें ए और बी ए का मास है फाइव के जी बी का मास है टेन के जी आर प्लेज एज शोन इन फिगर ठीक है इफ ब्लॉक ए इज पुल्ड विद फिफ्टी नाइन तो यहाँ पर ए को फिफ्टी नाइन से पुल किया गया है देन फाइंड आउट एक्सेलेशन ऑफ ए एंड बी तो ए और बी का एक्सीलेशन निकालना है इन द कॉन्फिडेंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए और बी इज म्यू तो यहाँ पर फ्रिक्शन दे रखा है कितना है जीरो पॉइंट फाइव और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में यहाँ फ्रिक्शन कितना है जीरो पॉइंट फोर तब आपको क्या निकालना है एक्सेलेशन निकालना है ए और बी का तो ए एक्सीलेशन ए और एक्सीलेशन बी निकालना है कब इस वाली कंडीशन में ठीक है तो जब भी हम यहां पर देखते हैं कि दोनों साथ मूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे तो साथ मूव करते हैं तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन लगता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है और साथ मूव नहीं करते हैं तो यहाँ पर काइरेटिक फ्रिक्शन लगता है तो यहां पर हमको ये चेक करना है कि कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है फर्स्ट चीज ठीक है लेकिन यहां पर ये ब्लॉक मूव करेगा या नहीं करेगा ये तो हमारा नॉर्मल ब्लॉक का क्वेश्चन हो गया तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे एफ uh, लिमिटिंग देखेंगे जो हमारा नॉर्मल केस होता है ठीक है तो यहाँ पर बी पर एफ लिमिटिंग देखते हैं तो एफ लिमिटिंग की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर बी पर म्यू एस इंटू एन यू एस कितना है हमारे पर जीरो पॉइंट फोर एन कितना हो जाएगा एम इंटू जी एम कितना हो जाएगा इस यहाँ से लेकर टोटल एन हो जाएगा ये ठीक है तो एन कितना हो जाएगा हमारा एम एम ही हो जाएगा टेन प्लस फाइव इंटू जी मतलब कितना हो गया ये सिक्सटी एन ठीक है तो ये कितना हो जाएगा हमारा सिक्सटी एन तो एफ लिमिटिंग की वैल्यू कितनी हो गई सिक्सटी नाइन लेकिन जो एफ अप्लाइड है वो कितना है फिफ्टी इसका मतलब क्या हुआ फिक्शनल फोर्स ज़्यादा है एफ अप्लाइड से इसका मतलब जो बी ब्लॉक है वो मूव नहीं करेगा क्योंकि फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा है इतनी 16 न्यूटन है तो बी ब्लॉक मूव नहीं करेगा इसलिए यदि हमें एक्सीलेशन पूछा है बी का तो कितना आएगा वो जीरो पहली चीज अब हम क्या करेंगे ए का एक्सीेशन निकालते हैं ठीक है से एफ मैक्सिमम से ठीक है और यहाँ पर फ्रिक्शन फिक्शन इधर की तरफ लगेगा और इस पर फ्रिक्शन इधर की तरफ लगेगा ठीक है हमने ये वाला फिक्शन की बात नहीं निकाली जो ग्राउंड पर लगेगा वो तो हमने निकाल लिया है सिक्सटीन एन है ठीक है हम इस वाले फिक्शन की बात कर रहे हैं जो यहाँ की तरफ लग रहा है ठीक है अब बी ब्लॉक ऐसा है जिस पर सिर्फ एफ लग रहा है तो ये एफ किसके बराबर हो जाएगा एम ए मैक्सम के जो कि किसके बराबर होगा म्यू इंटू कैपिटल एन के तो एम हो जाएगा हमारा कितना फाइव ए मैक्सिमम ठीक है अभी जो एन निकाल रहे हैं किससे निकाल रहे हैं ए से तो म्यू की वैल्यू यहाँ पर कितनी देर रखिए जीरो पॉइंट फाइव एन हो जाएगा फाइव इंटू टेन तो टेन ठीक है तो यहाँ से ए मैक्सिमम कितना निकल गया हमारा हमारा ए निकल गया फाइव ठीक है ए मैक्सिमम हमारा फाइव निकल गया अब यहाँ से हम एफ मैक्सिमम निकालेंगे तो एफ़ मैक्सिमम होगा हमारा माइनस का एफ वन इक्वल्स टू फाइव इंटू ए मैक्सीम ठीक है तो एफ मैक्सिमम कितना हो जाएगा हमारा एफ़ वन प्लस फाइव इंटू फाइव एफ वन हमारा कितना है ट्वेंटी फाइव और ये भी कितना है ट्वेंटी फाइव तो एफ मैक्सिमम की वैल्यू बिल्कुल किसके बराबर है एफ अप्लाइड के तो मतलब क्या होगा कि ये बॉडी क्या करने लग जाएगी मूव करने लग जाएगी और जैसे ही मूव करने लग जाएगी इसका मतलब ए के पास क्या है एक्सेलेशन है तो ए के पास एक्सेलेशन है और ये बॉडी मूव कर रही है तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन लगेगा वो कौन सा होगा काइनेटिक फ्रिक्शन और इसकी वैल्यू भी किसके बराबर होगी म्यू के इंटू एन के ठीक है सो so अब हम यहाँ पर फिफ्टी माइनस एफ ऑफ के एम इंटू ए रखेंगे ठीक है तो एफ ऑफ के की वैल्यू कितनी आ जाएगी ट्वेंटी फाइव डिवाइड बाई एम रखेंगे फाइव इक्वल्स टू ए रख देंगे ठीक है वैसे हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे लेकिन हमने स्टेप्स फॉलो किए हैं तो इससे इसका आंसर कितना आ रहा है ए की ए की वैल्यू आ रही है फाइव मीटर पर सेकंड स्क्वायर ठीक है और ए बी की वैल्यू कितनी आएगी जीरो यहाँ से हम डायरेक्ट भी देख सकते थे कि उन्होंने एक्सीलेशन पूछा हुआ है तो ये बॉडी क्या करेगी मूव ही करेगी तो इसका एक्सेलेशन आएगा ही आएगा तो एफ मैक्म निकालने की जरूरत नहीं थी लेकिन हमने एफ मैक्सीम निकालने से कन्फर्म कर दिया कि ये वाली बॉडी क्या होगी मूव करेगी क्योंकि एफ मैक्सिमम की वैल्यू और एफ अप्लाइड की वैल्यू बराबर आ रही है इसका मतलब हमने इतना फोर्स तो लगाई दिया कि वो बॉडी मूव करने लग जाए ठीक है यहाँ से हमारा एक्सेलेशन कितना आया or five meter per second square. Take care.